तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप सब आप लोगों के साथ आज फिर से एक नई वीडियो लेकर। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ और मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखता भी हूँ, दूसरे जो चैनल क्रिएटर्स होते हैं उनकी वीडियोस में देखता भी हूँ। फ्रेंड्स मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, लेकिन सुंदरखाल से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और मैंने लास्ट वीडियो सुंदरखाल से बनाई भी थी अपनी। फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो तो शायद आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी कभी। मैं इस टाइम फ्रेंड्स, आज मेरा जो नाइट स्टे है वो है सुंदरखाल गांव में। फ्रेंड्स इस पूरे गांव में ना तो लाइट आती है, और इस गांव में जब लाइट नहीं आती तो होम स्टेज वगैरह या होटल्स वगैरह तो है नहीं। लेकिन जैसा कि हमारे मनोज भाई हैं जो हमारे फ्रेंड हैं, आज मैं मनोज भाई के साथ रुक रहा हूँ रात को, और हम लोग कह सकते हैं ना, आज इस गांव के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी कि यहाँ पे रात को डर तो देखिए फ्रेंड्स कॉमन है, हम जैसे लोगों के लिए यहाँ डर कॉमन है क्योंकि यहाँ पे लाइट्स तो है नहीं, और अंधेरे में रुकना उस एम्बियंस को फील करना मेरा मोटिव है। इन अ शॉर्ट वर्ड्स इफ आई विल बी सेइंग देन इट वुड बी लाइक कि यहाँ पे रात को रुकना ही मेरा मोटिव है, और यहाँ की थ्रिल को महसूस करना कि कैसा लोग यहाँ महसूस करते होंगे रात को रुक के, और जैसे कि इन लोगों के लिए तो ये कॉमन लाइफ है, हम जैसे इंसान के लिए ये बहुत ही अनकॉमन सी चीज़ है। फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अभी रात के अराउंड 10 होने वाले हैं और मैं इस व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। आज हम मनोज भाई के साथ रुकेंगे, और मनोज भाई जैसा कि वाइल्ड लाइफ से बहुत इनका जुड़ाव रहा है, सुंदरखाल गांव में इनका खुद का घर है और यही इनके घर में ही मैं रुकने वाला हूं। और मनोज भाई पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी काम करते थे, तो इनकी जो एक लर्निंग है, जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हम सुनेंगे, और रात को आज लेट नाइट, थोड़ा सा लेट नाइट आज हम एक सफारी भी करेंगे, नाइट सफारी, जिसमें कि शायद आज काफ़ी चांसेस होंगे वाइल्ड लाइफ को हमारे सामने लाइक यू नो एक्सपोज होने के। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आगे बातें करते हैं। फ्रेंड्स देखिए गाड़ी के सामने हाथी, अकेला हाथी है, खा रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स आज रात को मैं सुंदरखाल गांव में रुका हुआ हूँ, तो हम लेट नाइट सफारी पे निकले हैं। देखिए सफारी पे निकलने के कुछ ही देर बाद मुझे दिखाया हाथी, इंटरेस्टिंग है ऐसे देखना, लेकिन अब इससे आगे जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। खा रहा है फुल मस्ती में, अकेला है, खेल भी रहा है। लाइट तो उठी हुई, गाड़ी को पक्की में लगनी, एक मिनट। तो फ्रेंड्स इतना बड़ा हाथी आया, कॉमेडी हो गई, सारी गाड़ी वापस घूम गई वहां से, क्योंकि वो रोड पे ना हमारी तरफ ही चल पड़ा। लेकिन सबसे पहले उसे हाथी को फ्रेंड सबसे पहले देखा हमने, क्योंकि सबसे आगे हमारी गाड़ी थी जिसके सबसे क्लोज हम ही खड़े थे, जैसे कि आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में भी थोड़ी देर पहले। फ्रेंड्स देखिए वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल हम परेशान नहीं करना चाहते, हम वहां से गाड़ी घुमा के अब हम थोड़ा पीछे का एक और राउंड मारेंगे। फ्रेंड्स हम इस टाइम काफी लेट हैं, देखिए इस टाइम हाथियों का अपना समय है, और हाथियों का तो 24 घंटे हाथियों का ही है, रास्ता ही उनका ही है, उनका, टाइगरों का और दूसरे एनिमल्स का। लेकिन फ्रेंड्स मजा आ गया हाथी देख के, बड़ा सुंदर भी लग रहा था देखना, बस खतरनाक बहुत था ना। अब हम दूसरी लोकेशन चेक करते हैं फ्रेंड्स, कोई रात हो रही है बिल्कुल, सबसे लेट इसे कहेंगे लेट नाइट सफारी। देखो फ्रेंड्स क्लियर तो नहीं दिख रही, लेकिन एक लोमड़ी जा रही है, लोमड़ी आगे वाली शीशे दिखाने की कोशिश करो, दिख नहीं रही इसमें। लेट नाइट जंगल में एक नाले पे खड़े हैं, यहाँ तो फ्रेंड्स काफी एनिमल पास आउट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी है ना, और आवाजें भी आ रही हैं यहाँ दूर दूर। अभी तो फ्रेंड्स मोर की कॉलिंग हो रही थी, तो अभी मुझे मनोज भाई ने बताया कि जो सांबर डियर की कॉलिंग होती है ना, वो तो कॉलिंग तब होती है जब सांबर डियर उसे स्मेल कर ले या देख ले टाइगर को, लेकिन अगर मोर की कॉलिंग हो रही है ना, तो समझ जाओ कि वो बहुत दूर से देख रहा है उसे, पेड़ पे से देख रहा है वो ऊपर उसे, लाइक बहुत दूर से भी दिखती है उसे जब उधर की तरफ बढ़ रहा हो अगर टाइगर, मोर और बंदर। तो अभी मोर की कॉलिंग हो रही थी फ्रेंड्स इस एरिया में, थोड़ा ऊपर की तरफ है।
फ्रेंड्स, मैं जितने दिन से नाइट ड्राइव कर रहा हूँ ना, ये डियर्स की फैमिली मुझे ऑलमोस्ट रोज ही मिलती है। देखिए कितने सारे हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखो फ्रेंड्स कितने सारे हैं ना, और ये मेरे को ऑलमोस्ट रोज ही मिलते हैं। स्पॉटेड डियर हैं फ्रेंड्स ये, और आज तो कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि आज लेट है थोड़ा, तो आज तो फ्री है बिल्कुल। काफ़ी सारे हैं, बच्चे बच्चे घूम रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं आगे। रात के 12 बजे हुए हैं और मैं जंगल में हूँ। ये देखिए इधर सारा जंगल है, और ये जंगल में सिर्फ एक लौती शॉप है, दो शॉप्स एक साथ हैं जो खुली रहती है पूरी ये रात। ये शॉप फ्रेंड्स पूरी रात खुलती है। सुंदरखाल गांव से कुछ किलोमीटर्स पे ये शॉप है। जैसे कि इस टाइम भी फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं। अच्छा लग रहा है इसे देखना, एक अलग ही एम्बियंस है फ्रेंड्स इस जगह की। कोर जंगल है फ्रेंड्स, कोर जंगल। जैसे कि अभी मैंने आपको एलिफेंट्स दिखाया, लोमड़ी दिखाई, और हिरन विरन तो यहाँ कॉमन है ही। फ्रेंड्स चल रहे हैं, शायद टाइगर भी दिखे आज। तो सर बताऊँ आपको मैं एक बात। हाँ हाँ, जो गांव में जो टाइगर है ना हमारे, अच्छा, जो जब हमारे गांव से टाइगर निकलता है, अच्छा, तो यहाँ से निकलता है, जो ये सामने दिख रहा है यहाँ से एक रास्ता है ऊपर को निकलने वाला। अच्छा अच्छा, तो से दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा, यहाँ से निकलता है सीधे ऊपर को, और यहाँ से सीधे निकलता है ऊपर जंगल में। जंगल में, और जंगल में एक नाला, अच्छा, वो कहलाता है पुनोद नाला टू। अच्छा अच्छा ठीक है। तो गांव में घूम के टाइगर, जो हमारा यहाँ पे टाइगर आता है ना, गांव में घूमता है और उसके बाद यहाँ से ही निकलता है, उसका ये मेन रास्ता है। अच्छा अच्छा, अगर हम यहाँ पे अदरवाइज हम घूमते रहे तो यहाँ पे दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं टाइगर के, क्योंकि मॉर्निंग में या अप डाउन करते रहता है। मतलब टाइगर अगर रिवर में पानी पीने भी जाता ना, तो यहीं से ही निकलता ऊपर को। कुछ टाइम पहले, कम से कम एक हफ्ता, एक या दो हफ्ता हो गए होंगे, तो पापा ने भी यहाँ से जाते हुए देखा था टाइगर को। अच्छा, ये लोकेशन है टाइगर की। तो फ्रेंड्स जैसा भी मनोज भाई ने मुझे बताया कि ये टाइगर की लोकेशन है, मतलब इस रूट का इस्तेमाल करता है टाइगर पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। इधर की तरफ नदी है, इधर की तरफ जंगल है, और इस लोकेशन से टाइगर क्रॉस करता है। मनोज भाई के पापा ने भी, अभी मनोज भाई ने मुझे बताया कि उनके पापा ने भी एक हफ्ते पहले टाइगर करीब यहीं से ही क्रॉस करते हुए देखा था। मतलब ये टाइगर का रूट है क्रॉस करने का। फ्रेंड्स यहाँ पे काफी चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। थोड़ा सा चलिए, रिवर भी पीछे है ना। अच्छा, रिवर से पानी पी के, और गांव मेन क्या है टाइगर का मकसद क्या है, गांव में घूमना। अच्छा अच्छा, क्योंकि गांव के इर्द गिर्द में ही हिरन होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक, और हिरन के पीछे ही टाइगर जाता है, गांव में जाता है। और अदरवाइज उसको कहीं गांव में अगर वो मिल गया, क्या बोलते हैं उसे, गाय बच्चे मिल गई, तो उनको शिकार बना लेता। बस यही है। अच्छा, एकदम से अभी यहाँ पे जो डियर खड़े थे ना हमारे राइट की तरफ, वो एकदम से अभी लेफ्ट की तरफ दौड़ के गए हैं, और उधर हमें किसी की आईज भी दिख रही है। आगे भी ये हिरन ना अलर्ट हो रहे हैं, कुछ लग रहा है यहाँ की मोमेंट है। मुझे भाई राइट पे क्या चीज है यहाँ पर, तो हिरन अलर्ट हो रही है सारे के सारे। फ्रेंड्स पूरा चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे कि कोई चीज है, शायद लेपर्ड या शायद टाइगर, क्योंकि इन्होंने एकदम से मूव कर दिया इस जगह से। ये सारे के सारे वहीं पे हैं जहाँ पे उस टाइम मैंने बोला ना कि आवाज आ रही करके। हाँ, ये वहीं पे का है। देखो जंगल एकदम खुकार हो रहा है फ्रेंड्स, रात के अराउंड 1 बज रहे हैं इस टाइम।
टाइम जंगल की एकदम रियल वाली लुक सामने आ रही निकल के, कि डियर्स का डरना, पीछे पत्तों में से आवाज़ आ रही थी ना, शायद कुछ है। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे तीन कॉलिंग एक साथ हुई है अभी सांबर डियर की, तो रेगुलर इंटरवल पे तीन बार कॉलिंग हुई है फ्रेंड्स, और एकदम फुल अलर्ट है यहाँ के जो डियर है। और ये टाइगर का रूट है नदी से जंगल में जाने का फ्रेंड्स। हो ना हो टाइगर हमारे बहुत करीब है इस टाइम, जैसे कि तीन बार कॉलिंग हुई है रेगुलर। यहाँ के जितने भी जो जितने भी यहाँ हिरन खड़े हैं ना, ये सारे के सारे राइट देख रहे हैं फ्रेंड्स, और राइट से ही कॉलिंग हुई है सांबर डियर की। अभी जैसे मैंने बताया तीन रिपीट कॉलिंग हुई है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स डेफिनेटली हमारे राइट पे है। देखो सारे सांबर डियर एकदम अलर्ट होकर राइट देख रहे हैं, सारे के सारे सांबर डियर राइट देख रहे हैं इस टाइम, सारे के सारे, सबकी नजर इधर है, सबने अपने काने भी खड़े कर रखे हैं। डेफिनेटली राइट पे ही है, या तो लेपर्ड है या टाइगर है, कुछ ना कुछ तो जरूर है राइट पे। अभी नाइट ड्राइव करके आए हैं सुंदरखाल गांव में, हिरन विरन तो यूं ही घूम रहे हैं नॉर्मल। चलो खोलो ताला, कॉलिंग बहुत खतरनाक वाली हुई थी, तीन कॉलिंग एक साथ हुई थी। तो सबसे पहले तो मैं मनोज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे सुंदरखाल गांव में रुकने का मौका दिया और मैं रुक पाया आपकी बदौलत। अदरवाइज यहाँ तो जैसे कि होम स्टेज वगैरह तो कुछ है नहीं, और मैं एक लाइफ के नए पहलू को समझ पाया। रात को रुका मैं, और ऐसे किसी गांव में मैं रुका कि जिसमें लाइट भी नहीं है और ना चार दीवारी कह लो या फेंसिंग भी नहीं है। तो लेकिन मनोज भाई एक बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे मोहान में लाइट है, ठीक है, गर्जे देवी मंदिर पे लाइट है, और ये नदी के उस पार वाले गाँव में लाइट है, अभी हमने अपील तो की है कि हमको लाइट दो और हमारे मतलब गांव को देखो, और जैसे कि अभी रिवर से पानी भी निकल रहा है बहने के लिए, ठीक है, आपने सुने हुए बीच में की बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी। तो मेन बात यही है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारे, अगर ध्यान देते तो आज हमारा गांव इस ढंग से बहता नहीं, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि आप मेरे साथ रहे, तुमको ऐसा लगा कि मैं सेफ हूँ? नहीं नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी, मुझे तो पर्सनली मैं बताऊं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। कि देखो एक रात के लिए मैं एडवेंचर के लिए रुक गया, ठीक है, और भाई ने बहुत मेरा ध्यान रखा, वो बात ठीक है, तो मुझे तो चलो इतना नहीं लगा। लेकिन रोज के हिसाब से अगर देखूँ ना मैं उस चीज को कि मेरी जीवन शैली ही ऐसी बन जाए, तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो मुझसे कहते भी हैं बहुत सारे आके कि यार बहुत अच्छी जगह है, ये है, उनको ये नहीं पता कि इस गांव में रहने वाले बंदे किस ढंग से जी रहे हैं। उनको तो आते हैं दो दिन रुकते हैं, और वो रुकते भी बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में रुकते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे आदमी जो रह रहा है किस मुसीबत में रह रहा है। ये बात तो दोस्तों मुझे भी नहीं समझा कि मतलब हर जगह लाइट है, सुंदरखाल के आसपास हर जगह लाइट है, इवन नदी के उस पार के गांवों में भी लाइट है, बस सुंदरखाल में लाइट नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर ये चीज प्रशासन तक कोई पहुंचा सके या प्रशासन से कोई मेरी इस वीडियो को देखे, तो डेफिनेटली इस चीज पे थोड़ा सा लुकआउट करें कि इसके क्या रीजंस हैं कि जब लाइट गांव के हर गांव में है, आसपास के हर गांव में है,
लेकिन सुंदरखाल में लाइट नहीं है, और बिना फेंसिंग के सुंदरखाल में रहना तो मनोज भाई बहुत ही खतरनाक, बहुत क्योंकि फ्रेंड्स इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग हो रही थी कल रात, मतलब मैंने देखा कि इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलिंग, सुंदरखाल के आसपास का ही एरिया था वो जो मैं वीडियो में दिखा रहा था आप लोगों को। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली से रोज रात को निकलते हैं, अब उन्होंने देखिए दिल्ली से आने वाले लोगों ने आना शुरू कर दिया, यहाँ पहुंचना शुरू कर दिया मेरा मतलब। फ्रेंड्स जिन लोगों को ना पता हो, हमारे मनोज भाई का भी चैनल है यूट्यूब पे, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इनकी व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए हेल्प कीजिएगा। और जैसे कि जंगल से रिलेटेड वीडियोस, सुंदरखाल गांव से रिलेटेड वीडियोस और नेचर से जुड़ी वीडियोस ये अपने चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं, और इनके चैनल का नाम है सुंदरखाल यूनिक पॉइंट। सही कहा मनोज भाई? सही है। फ्रेंड्स देखिए, ये चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हम सबको जीने का अधिकार है, और हमारे मनोज भाई को भी जीने का अधिकार है, और सुंदरखाल के हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स अगर किसी की भी मदद से, अगर हम प्रशासन में, जैसे आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, तो प्रशासन में किसी की कोई बातचीत हो, कोई किसी से रिलेशन हो या कुछ भी इस तरह से, मतलब या खुद प्रशासन से कोई इस वीडियो को देखे, तो फ्रेंड्स इस बात को, चीजों को थोड़ा सा आगे ले जाने की जरूरत है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं सुंदरखाल गांव के, इन चैलेंजेस की तरफ देखें आप। मेरा जो रात को रुकने का मोटिव था वो एडवेंचरस तो था ही, लेकिन ये भी साथ में दिखाना था कि कैसे जिंदगी जीते हैं। और मेरी आने वाली वीडियोस में मैं डेफिनेटली सुंदरखाल के और चैलेंजेस को भी एक्सपोज करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए वाइल्ड लाइफ तो यहाँ है ही, वाइल्ड लाइफ एक दिन दो दिन में हम यहाँ जब आते हैं तब तो हमें बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब हमें यहीं रहना पड़े ना तो बहुत चीजें डिफरेंट होती है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले टाइम में और भी थ्रिलिंग वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। हर हर महादेव।